महोबा से बड़ी खबर आ रही है, जो स्कूल में ही लगभग 25 बच्चियां बीमार हो गई और उनको बीमारी हालत में पनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। तो यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ पर बहुत भीड़ मची हुई है और यहाँ पर अधिकारी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अगर एक बच्चे को ठंड लग सकती है, दो बच्चियों को ठंड लग सकती है, लेकिन 25 बच्चियों को तो नहीं लग सकती है, जो गांव के लोगों का आरोप है। आपके बच्चों को क्या हुआ है? हमारे बच्चे नहीं है, गांव के हैं सर, गांव के हैं तो हमारे भी हैं। हाँ। जैसे बच्चन थे प्रार्थना में भाव लड़की ने घोट घोट के गुड़न में खून काढ़ ला, तो सर जी ने कहानी खबर दी उनके माँ बाप थे कि आप अपने बच्चा ले जाइए, ऐसा क्या हो रहा है, उनकी गलती है कि नहीं है, तो बताओ ना। खाना में कछुए जो कुदरत को है, थे हवा है क्या? जब एक बच्चा का भाव है दूसरे का भाव, तीसरे का भाव, और लड़कियां का काय हुआ, बच्चन का काय नहीं हुआ, हम जो कह। तो इनमें मास्टरों की क्या है गलती है, क्या है गलती है कि खबर नहीं पहुंचाई माँ बाप से? वे पहुँचाते, खबरों ने भेज देते, ये उनके बाप माता ही आ जाते, सबके दिखाते, झराते, फुकाते। कितने दिन से घटना है? आज सवेरे की घटना भाई, प्रार्थना भाई जब से जी तो आज का हुआ है, आज जो हुआ है कि जाने के बाद बच्चन का एक हटके गिरे, जो नहीं है कि रहे थे कि खाना में है, खाना में कछु नहीं है, जो न खाओ सो बगिरी, और जो ने नहीं खाओ सो बगिरी। क्या कैसे गिर जाती हैं, क्या उनके लक्षण? बेहोश है, बेहोश भाई, सो ने तारे लगाए और छुट्टी दाई अपने के मार लगा के भाग गया। हमें वहाँ को खबर नहीं दी, हम नहीं है तो हमारे पिताजी चाची घर हैं, माँ बहन है, तो हमें खबर तो हार दे सकती ना। आपके भी बच्चे को हुआ है? हमारे बाल बच्चे तो हैं। नहीं, आपकी बेटी को हुआ है? हाँ, हमारी नातिन है। क्या नाम है नातिन का? कितने साल की? महक। महक कितने साल की है? अब 8-9 साल की है। तो कहाँ ले गए हैं? अस्पताल गए। क्या है कि मिट्टी नहीं लाता है, इसकी जाँच भी नहीं होती है, कोई जांच भी नहीं कराता है, चाहे जिसको चाहिए कुछ बना के दे दें, साझा खाना जो आता है वो अपने स्टॉक में कर देते हैं, गंदा कहाँ खाना बना के खिलाती हैं। इसलिए हमारे ये है प्रावधान, जब तक इसकी जांच नहीं हुई, जब तक स्कूल का सारा गेट बंद हो जाना चाहिए, तब हम जो हम स्कूल नहीं चलाने देंगे। आप लोगों को कब पता, कैसे चला हुआ है? हमको जब ही फोन किया है भाई लोगों ने, तब हम तहसील से आए यहाँ जी, हमारी ही बच्चियाँ यहीं पढ़ती हैं जी। तो आपकी बच्चियों को भी ऐसा ही हुआ? तो यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि खाना बनाने में कुछ मिलाया गया है, और बच्चियाँ कैसे? खाना में कुछ नहीं मिलाया है, हमने पहले खाया है खाना। हाँ। बाद में बच्चे को देते हैं, रोज पहले हम खाते हैं खाना, बाद में बच्चे को देते हैं खाना। तो दीदी, जैसे आपने कहा कि हमने खाना खाया है, कुछ नहीं खाने में था, तो बच्चियों को लक्षण क्या थे? लक्षण ऐसा है कि स्कूल में कुछ हुए, मतलब 2-3 बार गिरे लड़का बच्चा, झरा फुकादा, मतलब सही हो गए भी। अब एक ही अंदाज में नहीं आज कौन सा मतलब होगा, का होगा, सब लड़कियां के एकदम से। आज क्या बनाया था खाना? आलू टमाटर। आज जो आपके यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, और ये है कि कुछ खाने के लिए खाने में कुछ मिलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सुबह से स्थिति ये है कि जब प्रार्थना करवाई मैंने, तो कैंपस में प्रार्थना हो रही थी, तब 3 बच्चियां को छह वीकनेस के कारण हो या जैसे भी हो, कुछ मुझे डाउन समझ में आई, तो मैंने उनको जो है अलग कर दिया, और अलग करने के बाद बैठा लिया, एकांत में बैठा के उनको ठंडा पानी खिला के, जो भी हो उनको फिर क्लास में बैठा ला, फिर आराम से बैठ गई। एक बच्ची ज़्यादा वीकनेस समझ में आई तो मैंने उसको घर भेज दिया, मैंने कहा जाओ, क्योंकि मुझे पता था पहले से कि इस बच्ची का इलाज चल रहा है, झाड़ फूँक चल रही है, तो मैंने उसको भगा दिया। लेकिन फिर वो बच्ची ना मानी, फिर से विद्यालय आ गई। आने के बाद जब लंच हो गया, तो लंच में सभी बच्चे एक साथ बैठ के बच्चे बच्चियां खाना खाते हैं, तो एक बच्चा थाली परस रहा था, तो एक लड़की सबसे पहले उठी और उसने अपनी जो थाली उठा के फेंक दी और चिल्ला करके रोने लगी। तो जो है बगल में जो बच्चियां बैठी थी, उन्होंने उसको छुआ, तो बोले कि इसको पकड़ने के उद्देश्य से उसको पकड़ा, तो जो है वो भी बच्चियाँ उसी हरकत में आ गई जिस हरकत में पहली वाली बच्ची थी, और जितनी बच्चियां उसको छूती जा रही वो भी उसी हरकत में आती जा रही जैसे पहली बच्ची थी। और जब ऐसी स्थिति आ गई, जब ज़्यादा 4 से 10 की संख्या हो गई, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर डॉक्टर साहब आए, बोले मर साहब आप जो है एम्बुलेंस को बुलवा लीजिए, एम्बुलेंस बुलवाई, प्रशासन प्रशासन सभी लोग आ गए। ऐसी बच्चियों की स्थिति, 12 बजे लंच हुए तब से
लेकिन लंच पूर्व से, लंच पूर्व लंच खा ही नहीं पाए ना, लंच के पहले से, लंच के पहले से लंच हो ही नहीं। तो ये और भी ऐसी कुछ शिकायतें आती थी पहले, क्योंकि अभी हमने जो महिलाओं से बात किया तो उनका आरोप है कि मास्टर के द्वारा हमें पता ही नहीं दिया जाता, या ऐसे दो तीन दिन से ऐसे कुछ हो रहा है, और आज ज्यादा ही गंभीर हो गई बच्ची। नहीं नहीं, वो जो है बच्ची, एक बच्ची है रौनक राजपूत, पिता का नाम जयप्रकाश है, जो मैंने पहले बताया, वो काफी दिन से बीमार चल रही थी, जिसको मैंने आज भगाया भी है उसको, तो वही बच्ची दो तीन दिन से हरकत कर रही है, अन्यथा कोई किसी बच्ची ने हरकत नहीं की। तो क्या लगता है कि कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, या फिर आप भी भूत प्रेत का जैसे नाम लिया है तो उसमें भी? अभी तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ, डॉक्टरों का विषय है, जांच होने के बाद पता चलेगा। नहीं, लेकिन एक समस्या जो है, जो समाधान सामने आया है, गाँव वाले कुछ ले जा करके झाड़ फूंक करवाए है स्वयं, तो उसमें उनको सफलता मिली है, बच्चियां ठीक भी हो रही हैं, वो केवल मात्र बच्चियों को हो रहा है ये सब। लिखित में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, लिखित में शिकायत हम अभी जाके देख रहे हैं, लिखित में जब भी शिकायत मिलेगी। जी सर, जो देश का भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में है, आप भी उस भविष्य में साथ दिया जाए, हम भी साथ हैं। उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, जैसा कि सर आप एसडीएम साहब वहाँ देख लिए हैं, वहाँ के डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर ने ये बताया कि ये संभवतः ठंड खा गई है, ये 12-13 बच्चियाँ बताई गई, मैं बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया जी, मैं वहीं जा रहा हूँ सीएससी। अगर जांच के बाद कुछ निकल के आता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? बहुत बड़ा एक्शन होगा, ये तो आप खुद ही जानती हैं, इस पे तो कोई भी बात होगी बहुत बड़ा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।